ना खाली हूँ पंजवें साल वो की कर देंगे, पंजवें साल भी उही कुछ होगा। हूँ प्रशांत किशोर लिया ने नवे गप्पा मरवाउन वास्ते भाई नवे झूठ बना हूँ पहला चल गए सी तो हूँ नवे चला, पर पंजाब के लोग अवेयर ने। दिल्ली साढ़े ना कोई एग्रीमेंट नहीं सी, दिल्ली असी कोई उन्होंने पेड सर्विसिज नहीं लिया सी, नो उन्हें आप वलंटरी कहा सी कि मैं तीन चार कोई टीवी टूवी दे कोई मीडिया रिलेटड कोई इवेंट सके वो करवाए से, असी उन्होंने ये नहीं कहा कि दिल्ली वालों असं पैसे देने। हाँ कांग्रेस ने जे हायर करना कर ले, भावें ओबामे का नीति घाड़ा लै आए भावें जो बाइडन का लै आए कांग्रेस लैके आए, पर पब्लिक के पैसे तो कैबिनेट रैंक दे के भावें तुम 1 रुपया तनखा दें पर उन्हों गड्डियां मिलनगियां, उन्हों घर मिलेगा, उन्हों दफ्तर मिलेगा, उन्हों कल स्टाफ मिलेगा, क्लर्क मिलने, पीएन मिलेंगे, वो कि पैसे थे ये तो मतलब तुसी चाके तुसी किसे बंदे नूं सरकार ही देती कि 1 साल तू चला ला हुण आपदे हिसाब नाल, ते बाकी मतलब सानू दोबारा बना के दे दे गप मार के 4 साल फिर असी चला लेंगे, साल पहला फिर आ जी, ये तो गलत है ना। पब्लिक की मनी तो प्रशांत किशोर की अपॉइंटमेंट की असी निंदा करते हैं। देखो जे पार्टी च ने तो वो कर सकते हैं, पिछले 2 सालों तो वो घर बैठे ने तो मंत्रालय भी मिल रहा है, जो कुछ कर सकते हैं जो सिद्धू साहब ये कहते हैं कि मेरे को पंजाब दी सलूशन जिहड़े मंगा ने जां समस्यावां ने मैनूं उन्हां दा पता है, उन्हां दे सलूशन का भी पता है। तो सब तो वड्डी जिहड़ी समस्या वो तो बिजली है, बिजली मंत्री बन के बिजली तो फ्री करन लोगों की, इतने 50-50 हज़ार 55-55 हज़ार 60-60 हज़ार के बिल पे ने लोगों के, दिल्ली की तरज से बिजली फ्री कर देन, बिजली मंत्री बन, उन्होंने पार्टी की सरकार है तो उन्होंने पार्टी कही जाते हैं ऐ नहीं करते ऐ नहीं करते, तो बिच रह के काम करना चाहिए। मैं कहना बाहरों रौला पा के जां बाहरों रोड़े डले मार के किसी फसल में लगी हुई सुंडी नहीं पाई वो वास्ते स्परे की टोली मोढ़े पर रख के अंदर बढ़ना पैंदा, तो रखो ढोली तो अंदर बढ़ो। जे पंजाब सरकार दे विच जिहड़े भी गलत मंत्री ने जां जिहड़े महकमे रिश्वत खांदे ने वो लीकेज बंद करके पंजाब दा खजाना भरो ते पंजाब दे लोकां दी समस्यावां हल करो। एक पास अड्डा तो दूसरे पास जो अद्धा हिस्सा उन्हों का खहरा ली फिर आम आदमी पार्टी 2022 ढिलों एक कौन है कि ढिलों पहले मैं दस दिना वो कैप्टन का पंजामी मैन है जड़िया मैं कहना उन्होंने भी पंजामी चढ़ाने 3 घंटे लै लो वो लोहू पाले चो भी है वो गड्डी चपदी डिग्गी च बैग धर के तुरते हैं भी कैप्टन साहब की पता कदों दोपहरे पजामी होर चेंज करनी पै जाए। मैं नहीं इन्ना लोगों कोई बहुता सीरीयस लेंदा, जिहड़े बंदे रेवोल्यूशन की गल कर करते इनकलाब लियावांगे मनप्रीत बादल नाल आए सी बाद छड के कांग्रेस चले गए, तो ये चकमे चुल्ले ने कदे उधर नूं कदे उधर नूं, असी जिथे खड़े सी खड़े हाँ, तो इस करके किक्की ढिल्लों सानू सर्टिफिकेट देना बंद कर देन। बाकी निजी भी उन्होंने मेरे ते हमले किए है, गलत गल है, जे मैं निजी दसण ते आ गया तो उन्हां तों संभालिया नहीं जाना मैं, पर मैं नहीं कहता कि नहीं किसी तो इदा नहीं करना, पर किक्की ढिल्लों जी ने मैं दस देना चाहना कि जे मैं निजी दसण ते आ गया ना तां तुहानूं काफ़ी प्रॉब्लम आऊ, काफ़ी दिक्कत आ सकती है, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕੇ ਸਹਿਣੇ ਉੱਗੋ ਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਔਰ 21 ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਸੋ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਾਊਗੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ 3 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ
रल के दोबारा पंजाब नूं स्वैटर वांगू दोबारा बुनीए जिहड़ा इन्हां ने देड़ता थां थां तों ते उही असीं गल करां विधानसभा चल रही है उहदे विच वी साडी पार्टी वल्लों मुद्दे उही उठाए जा रहे हैं जो आम लोगों ने चाहे बिजली का चाहे महंगाई का चाहे एस सी स्कॉलरशिप का सो करोना दे विच की हाल लोगों का होया सो सारे मुद्दे पार्टी वल्लों उठा रहे हैं तो 8 तरीक तो पार्लीमेंट शुरू होगी उत्थे भी जाके फिर बजट से बोलेंगे स्टेट कहती पानी स्तर नीवा हो रहा है तो उन्होंने उपर चुकन कमेटी का भी कोई गठन किया कमेटियाँ उपर चुकनगियाँ उन्होंने उपर चुकन कस्सियाँ बनाओ ना उन्होंने उपर चुकन जो नहरी पानी का जोड़ा ज टुट गया जोड़ा लिंक सारा ढांचा ही डिमोलिश हो गया उन्होंने अपग्रेड करो अज भी कस्सियाँ सूए नाले जोड़े चलते हैं उन्होंने पानी लिया के खेतों जाया जा सकता है पर तो सारी खत्म हो गया तो लोग ट्यूबवैल लाते हैं ट्यूबवैल लाते हैं 600-700 फुट से तो फसल दूजिया फसलों की MSP दो झोने तो बिना ताकि असी बाजरा बीज लीए मक्की बीज लीए सूरजमुखी बीज लीए साड़ी तो धरती इन्नी उपजाऊ है जो मर्जी बीज लीए पर MSP बेचण कितने जावे सरकार एक बार MSP ऐलान कर दे पंजाब झोने के चक्कर चो बाहर आ जूगा तो FCI जी तो उ मुकरी जाती है झोना खरीदने तो असं तो फस जो मर्जी बीज सकते हैं सा इतने फसल ही जोड़ा धरती इन्नी उपजाऊ है झोना खरीद मुकरते जाते हैं शर्त कि उन्होंने सीधा ही कहा जी कि असं नहीं खरीदना वह तो हम पंजाब में मोले बल दवाऊ कम लेके छड़न लगे ने रस्सा कढ़न लगे कर सकती है पर नीयत नहीं हैगी स्टेट गवर्नमेंट तो मोदी पुछ के तो चलते ने करना सो नीयत जी नीयत मुरादा ने स्टेट गवर्नमेंट ने हुण प्रशांत किशोर लिया उन्हें 3 दिन बजट लेट करा लिया कहिंदे भी मैं थोड़े जिहे गप अपने वल्लों ऐड कराऊंगा इस करके 3 दिन लेट कर लो देखते हैं हुण मिर्जा गल जी की कहिंदे ने हाँ जी ये आप थोड़ी पब्लिक बनाउंदी है जी किहनूं पहली बार बनाउणा किहनूं लास्ट बार बनाउणा ये तो पब्लिक ते